हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मालूम है आप लोग अच्छे रहोगे। तो मैं इसका पार्ट वन आपको दे चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा पार्ट वन। ओके, तो पार्ट टू का आप चिंता मत करो, पार्ट टू यही है और पार्ट थ्री आएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि 4 आवर का टाइम लगा इसमें। 4 आवर नहीं, मतलब 2 आवर लगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन गया, इतना इसमें टाइम नहीं लगा। तो ये 2 आवर्स में बन गया, तो 2 आवर्स कम होता है क्या, मैंने बताया। तो तीसरा पार्ट आएगा, तो मैं आपको मटेरियल बता दे रहा हूँ। तो ये है अपना मास्किंग टेप, तो जो हम लोग इसके ऊपर ऐसे करके लगाने वाले हैं। और मैं लगा चुका गाइस, इतना जल्दी मैं लगा देता हूँ। तो आपका पार्ट वन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और भी मटेरियल मैं बता दे रहा हूँ आपको, जो जो अगले पार्ट में भी यूज़ होने वाले और इस पार्ट में भी यूज़ होंगे। और ये है 8B का पेंसिल, थोड़ा डार्क शेडिंग के लिए काम आएगा। यहाँ पे डार्क सरफेस है, वहाँ पे ये काम आ जाएगा। और अगर आपको कुछ भी चाहिए, रेफरेंस फ़ोटो भी चाहिए, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, मटेरियल पूरे मिल जाएंगे। तो ये सब मैंने मिक्स बनाया हूँ, पेन पेंसिल से भी सबसे बनाया हूँ मैं, उसमें 2 आवर का टाइम लगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मैं ले रहा हूँ देखो, पेन पेंसिल स्टेडलर का 48 शेड्स का, और जिसमें शेड बाय शेड है वो आप लोग पहचान जाओगे, वैसा आप लोग कर देना। और ये है वाइट जेलवेन, ये हाईलाइट करने का, लिंक डिस्क्रिप्शन में सब मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। और ये है ऑयल पेस्टल 50 शेड्स, तो ये है ऑयल पेस्टल का 15 शेड्स का। और ये मैं टेस्टिंग पेपर के लिए यूज़ करूँगा कलर्स का, और कॉटन बर्ड ब्लेंडिंग के लिए कॉटन बर्ड, और टिश्यू पेपर भी यूज़ करूँगा ब्लेंडिंग के लिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, सॉफ्ट पेस्टल गाइस, जो हम लोग बैकग्राउंड में यूज़ करने वाले हैं। तो गाइस यार, आप लोग इसका अनबॉक्सिंग देखना, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, एंडिंग स्क्रीन पे मिल जाएगा। एंड तक देखना तो आपको अपने आप मिल जाएगा एंडिंग स्क्रीन पे। इसका अनबॉक्सिंग टोटल प्रोसेस बता दिया, और रिट्रैक्टेबल इरेजर थोड़ा बहुत रेज करना रहेगा तो उसके लिए काम आ जाएगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग बनाना, तो लेट्स स्टार्ट।
गाइस ये बन चुका है पार्ट 3, आएगा ही जल्दी। और आपको इतना कैसा लगा है जरूर बताना। मैंने हाईलाइट आधा किया, आधा बहुत मतलब अलग ही टाइप का लग रहा है। स्नो भी बनाने वाला हूँ, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।